नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 जनवरी। आप सभी को बिहारी न्यूज की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए सरकार जगह जगह कर रही है अलाव की व्यवस्था। राजधानी पटना में ठंड को लेकर प्रशासन भी अपनी तरफ से लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठंड में लोगों को राहत मिले इसके लिए सरकार ने अब तक समूचे पटना में कुल मिलाकर 154 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए सरकार अलाव की व्यवस्था पटना के सभी प्रखंडों में कर रही है, जिसके तहत 154 जगहों पर हर दिन 5540 किलो अलाव की व्यवस्था आम जनजीवन के लिए मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग जगत के लिए किया बड़ा ऐलान। पटना के संवाद भवन में आयोजित व्यापार पंचायत की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग जगत के सभी व्यापारियों को हर तरह की मदद मुहैया करवाने का वादा किया है और साथ ही साथ सभी व्यापारियों से निवेश करने का आह्वान भी किया है। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता मौजूद थे। गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाश पर्व की तैयारियां हो गई पूरी। गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने दे दी है। इतना ही नहीं, प्रशासन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 353वां प्रकाश पर्व तक श्री हरिमंदिर पटना साहिब में 3 जनवरी तक होना है, जिसके लिए यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। बिहार में पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला। बिहार पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में 43 दरोगा, 19 हवलदार, 10 इंस्पेक्टर और 25 सिपाहियों का तबादला किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभाग द्वारा किया गया यह तबादला चिकित्सीय और अन्य आधारों को ध्यान में रखकर किया गया है। सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर पर की टिप्पणी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान के उपाध्यक्ष और मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भाजपा और जदयू के बीच सीट शेयरिंग पर चल रहे अटकलों पर जमकर बयानबाजी की है। प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि लाभकारी धंधे में लगा व्यक्ति पहले अपनी सेवाओं के लिए बाजार तैयार करने में लगता है, फिर जाकर कहीं देश की चिंता करता है। आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होना तय है। जहां तक सीटों के तालमेल की बात है, तो ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व समय आने पर कर देंगे। आज नए साल के दिन घूमने जाने वाले लोग इन बातों का खास ध्यान रखें। नए साल के दिन अगर आप भी पटना के किसी भी पार्क में या पटना चिड़ियाघर घूमने जाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए खबर अहम है। नए साल के दिन पटना जू से लेकर तमाम बड़े पार्कों में बहुत कुछ बदला सा दिखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा तो फर्क आम दिन के मुकाबले नए साल के दिन मिलने वाले टिकट में होता है। हर जगह पर आज सामान्य दिन से 2 गुना किराया लिया जाएगा, यानी कि अगर किसी जगह के टिकट की कीमत 50 रुपए सामान्य दिनों में होती है, तो आज 100 रुपए में मिलेगी। इसके साथ ही आप पटना में और भी खास जगहों पर भ्रमण करने जरूर जा सकते हैं। जल्दी वोटर आईडी कार्ड में जुड़वा ले अपना नाम। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। जिन लोगों ने अब तक वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अपना नामांकन करवा ले, क्योंकि आपके पास ऐसा करने के लिए बस 15 जनवरी तक का ही समय है। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और यह भी साफ कर दिया है कि 15 जनवरी तक आम नागरिक न सिर्फ अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, बल्कि जिन लोगों के भी वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि है, वो उसका सुधार भी करवा सकते हैं। नीति आयोग ने खोली बिहार की पोल। जहां एक ओर बार बार नीतीश कुमार अपने हर सभा के संबोधन में बिहार के विकास की बात करते दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर नीति आयोग द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। हाल ही में नीति आयोग ने देश भर के राज्यों में हो रहे विकास को लेकर रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार की हालत बेहद ही खराब बताई जा रही है। नीति आयोग द्वारा टिकाऊ एवं स्वास्थ्य विकास के लक्ष्य में राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार पर केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो वहीं बिहार को आखिरी स्थान मिला है। सीट बंटवारे पर अपने ही बयान के कारण घिरे प्रशांत किशोर। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भले ही अभी समय है, मगर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां और खासकर की सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी करती नजर आ रही है। कुछ ही दिनों पहले भाजपा ने 50-50 सीटों की मांग की थी, जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने देते हुए यह साफ कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए, बिहार में आधी आधी सीटों का बंटवारा नहीं होगा। जिस पर अब जदयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के इस बयान पर असहमति दिखाई है और कहा है कि पार्टी ने प्रशांत किशोर को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है। पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सहमति से सीटों का बंटवारा कर लिया था और आगे भी कर लेंगे। पटना साहिब की गलियों में गूंजी ढोल नगाड़ों की गूंज। पटना सिटी में बीते मंगलवार का नजारा काफी बदला सा नजर आया, जब बैंड बाजे के साथ प्रभात फेरी को निकाला गया। ढोल नगाड़े की आवाज से पूरा गली मोहल्ला गुलजार हो गया। हर ओर बस सतनाम वाहे गुरु की गूंज सुनाई दे रही थी। सुबह से निकाली गई है प्रभात फेरी, पहले अशोक राजपथ पहुंची, जहां से होते हुए पूरब दरवाजा, पटना साहिब स्टेशन, मंगल तालाब चौक होते होते तक श्री हनुमान मंदिर वापस लौट गई।
रोहतास के मंझार कुंड और धुआं कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड और धुआं कुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने एवं प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मंझार कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मंझार कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। कृष्णनंदन वर्मा उतरे जल जीवन हरियाली यात्रा के समर्थन में, जहां एक ओर विपक्ष बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए इस जल जीवन हरियाली यात्रा की आलोचना कर रहा है तो वहीं शिक्षा और प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन वर्मा इसके समर्थन में उतर आए हैं। जल जीवन हरियाली यात्रा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए यह यात्रा बेहद ही जरूरी है। प्राचीन समय में खेतों में सिंचाई के लिए बड़े बड़े पोखरों का निर्माण किया जाता था, हर गाँव में कुआं था, मगर समय के साथ इन सभी जल स्रोतों को भर दिया गया। यहाँ हम सबकी गलती थी। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस यात्रा से जुड़े और इसे सफल बनाएं। साइंस ओलंपियाड में मिथिला का आयुष बना बिहार टॉपर। बिहार लेवल पर आयोजित की गई साइंस ओलंपियाड को बिहार के मिथिला के आयुष राज ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। वहीं आरती को इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा आपको बता दें समूचे बिहार में पहले पायदान पर पहुंचे आयुष ने बिहार रैंकिंग में पहला स्थान तो प्राप्त किया ही है, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी उसने 13वां स्थान प्राप्त कर लिया है। दीघा कंकड़बाग में एसटीपी निर्माण को मिला ग्रीन सिग्नल। दीघा कंकड़बाग में एसटीपी निर्माण को हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके लिए दीघा एसटीपी पर 824 करोड़ जबकि कंकड़बाग एसटीपी पर 578.89 करोड़ रुपए की लागत खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें केंद्र सरकार के नमामि गंगे के तहत पटना में कुल मिलाकर 11 योजनाओं पर काम चल रहा है और अब जल्द ही दीघा कंकड़बाग इलाके में भी एसटीपी के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में प्लाईवुड और फर्नीचर उद्योग में होगी बढ़ोतरी। सभी प्लाईवुड और फर्नीचर उद्योग के व्यापारियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने अब राज्य में प्लाईवुड फर्नीचर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने और उसे कैबिनेट के पास जल्द से जल्द पेश करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त ऐलान संवाद सभा कक्ष में प्लाईवुड विनियर और फर्नीचर उद्योग विषय पर आयोजित उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता में किया है। भाजपा के जीवेश मिश्रा ने मांझी को कहा मौका परस्त। भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी को एक मौका परस्त नेता का टैग दिया है। इस टैग का विश्लेषण करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मांझी जैसे नेता किसी के भी साथ नहीं हो सकते। मांझी मौके के अनुसार काम करते हैं। अगर उन्हें कभी भाजपा के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला तो वो भाजपा के साथ भी मिल जाएंगे। मांझी बस सभी राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाने और अपने लिए हर चुनाव में सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं। BAU नए साल में देगा किसानों की सौगात। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के लिए साल 2019 बेहद ही खास रहा है। वहीं अब इस नए साल में भी BAU ने कई सारे नए कामों को शुरू करने का संकल्प लिया है, जिसमें से एक है किसानों के उत्थान का काम, जिसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए कई सारे सौगात और कई योजनाओं का शुभारंभ की पहल कर रहा है। वहीं इसके अलावा युवाओं को भी इस साल कृषि उद्यमी के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है। RCP सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव RCP सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। वजीरगंज विधानसभा के बूथ स्तर के अध्यक्षों और सचिवों को प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा है कि इस साल होने वाला यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही NDA चुनावी मैदान में उतरेगी। नए साल में दिखने को मिलेगा तेजस्वी का नया मोड़। नए साल के साथ साथ हर कोई नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उसी रास्ते पर है। खबरों की माने तो नए साल में तेजस्वी यादव अपने नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। नए अंदाज के साथ साथ इस साल तेजस्वी राजनीति में और ज्यादा एक्टिव नजर आने वाले हैं, जिसके तहत राजद ने नए साल की शुरुआत में ही NRC और CA के मुद्दे को लेकर सड़कों पर दोबारा उतरने का प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ही दिनों पहले खरमास के बाद अपने बिहार यात्रा का भी ऐलान कर दिया था। जल जीवन हरियाली योजना के लिए नहीं होगी कभी पैसों की कमी, उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पटना प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों के इस योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की गई, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी जिलों के कुओं, चापाकल, आहर और पईन के जीर्णोद्धार से संबंधित जानकारियां दी गई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दी नसीहत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर नसीहत दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि अगर बिहार में NRC लागू करने का इरादा नहीं है तो उन्हें तत्काल NPR तैयार करने का आदेश भी रद्द करने की आवश्यकता है, कम से कम तब तक जब तक केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक का फैसला वापस न ले ले। आप बात नहीं काम करिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी।
टी20 विश्व कप को लेकर विराट और कोच रवि शास्त्री से उलट कुंबले की है अलग सोच। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री जहां ऑलराउंडरों को खिलाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व हेड कोच अनिल कुंबले की सोच इससे अलग है। उनका मानना है कि भारतीय टीम का ध्यान विकेट लेने पर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक ऑलराउंडर्स की जगह विशेषज्ञ गेंदबाजों को टीम में प्रमुखता दें। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो कहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 31 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,980 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,760 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,900 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.9 रुपए प्रति लीटर थी तो वहीं डीजल 72.69 रुपए प्रति लीटर था। रवि शास्त्री, शाहरुख खान और रवीना एक साथ अलीबाग में मना रहे अपना न्यू ईयर। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री नए साल का जश्न बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ अलीबाग में मना रहे हैं। रवि शास्त्री की अगर हम बात करें तो रवि शास्त्री इन दिनों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में भारत को मिली जीत के बाद अभी रेस्ट में चल रहे हैं, इसलिए वो अपने नए साल की छुट्टी परिवार और दोस्तों के साथ मनाने अलीबाग में हैं, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, साल 2020 में आपका नया रेजोल्यूशन क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।